एक और बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को ताइबा आपको वापस मंच देंगे। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वकीलों और पुलिस में झड़प हुई है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, कमांडोज लगाए गए थे, वकीलों और पुलिस के बीच में झड़प की, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जी न्यूज पर। ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट, बड़ी ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जहां पर ये जजमेंट जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है, वहां पर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई है, ये बड़ी खबर। और साथ ही पीटीआई के समर्थक किस तरह इस वक्त सड़कों पर हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पर भी वोटिंग होनी थी, रेड जोन एक बनाई गई थी सिक्योरिटी के, तब भी कहा गया था अभूतपूर्व इंतजाम किए गए। और इस वक्त जो तस्वीरें आ रही है, वो पीटीआई समर्थक सड़क पर किस तरह विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर बात की जाए तो वकीलों और पुलिस के बीच झड़प की खबर है। और थोड़ी देर पहले हमने आपको यह खबर भी दिखाई थी कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आसपास और कोर्ट के भीतर सुरक्षा जो है वो और कड़ी की गई है। ताइबा अब्बासी जी, अदिति, ये एक्चुअली तीनों पार्टीज के जो लॉयर्स हैं वो एक्चुअली इस टाइम पे ना सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और खासी बड़ी तादाद है तीनों पार्टीज, जो पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है और इमरान खान है, इनके पार्टीज के बहुत ज़्यादा लॉयर्स हैं और वो सारे तकरीबन इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो ये डेफिनेटली, चूंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सब लॉयर्स को एंट्री नहीं दी जा रही, तो ये डेफिनेटली ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। लेकिन बहरहाल क्लैरिटी उनको, क्योंकि अंदर एंट्री नहीं मिल पाई कोर्ट में, इसलिए ये हाथापाई हुई है, या ये तीनों पार्टियों की जो लीगल टीम्स हैं उनके बीच हाथापाई हुई है? नहीं नहीं नहीं, आपस में नहीं हुई। बेसिकली उनको एंट्री नहीं मिल रही, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और एक सुप्रीम कोर्ट का जो ये कोर्ट रूम है वो है, दो जगह है।